Morning, all of you. Today discuss lines and angles exercise 6.1 from NCERT books. Question number 1. आप डायग्राम देख रहे हो बोर्ड पर, जिसमें है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ. आप देखिए ए बी और सी डी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये प्रॉपर्टी है और इसको हम ऑलरेडी मान के चलते हैं, ये कि अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑल्सो इफ एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ सी, यानी दिस एंगल प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, इस दोनों एंगल का सम भी 70 दिया हुआ है. ऑल्सो एंगल बी ओ डी यानी दिस एंगल इज 40 डिग्री. तो अगर ये 40 है बी ओ डी तो ए ओ सी क्या होगा, कोई बताओगे? इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसे इसका ये वर्टिकली है इसका ये, अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री. रीजन दे दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद फाइंड करना है बी ओ ई, अरे इसका नाम दे दिए एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2, अरे ये एंगल 2 को फाइंड करना है फर्स्ट. सेकेंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल इसका निकालना. क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें हम दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेकेंड आप रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन है मोर देन 360 माइनस एंड एंगल दिस. 360 में माइनस करोगे जो एंगल आपका निकालना है, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल ये होगा इतना, ठीक है? देखिए आपका दिया हुआ है गिवन में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपका गिवन में दिया हुआ है. और ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन दे दी. अब देखिए ए ओ सी के प्लेस पर पुट कर दो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई 70 माइनस 40 30 डिग्री, यानी ये एंगल निकाले 30 डिग्री. बी ओ ई पहला आपका आंसर यही हो गया, बी ओ ई 30 डिग्री पहला एंगल हम ये निकाल लें. बी ओ ई फर्स्ट आपका आंसर आ गया. अब सेकेंड फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. तो सी आप पहले एंगल 1 प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल
BOE, इस तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. गुड. यहां पर आप लिख लिए, आप जान रहे हैं 180 डिग्री. एक रीजन डाल देना, क्योंकि दो से ज्यादा एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पर, अगर दो ही एंगल होता 180 सम तो लिनियर पेयर लिखते, और जब दो से ज्यादा एंगल है तो उसको क्या लिखेंगे रीजन में? स्ट्रेट एंगल. क्या लिखेंगे रीजन में? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का शॉर्ट में एंगल बना करके एस लिखते. अब एंगल वन आपका दिया हुआ है 40. एंगल COE हमको फाइंड करना है और BOE हम 30 डिग्री फाइंड कर चुके. 180 यानी COE 180 में माइनस कर दो इस दोनों का सम ला करके राइट साइड में, तो 40 प्लस 30 70 माइनस करेंगे क्या आ गया? 110 डिग्री. यानी आपका ये एंगल निकला 110 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल COE, हम COE निकाले 110. तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या होगा? यहाँ एक रिफ्लेक्स वर्ड ऐड किया हुआ है, और रिफ्लेक्स नाम आप सुने हो, जो 300 जिस एंगल को निकालना है रिफ्लेक्स, उस एंगल को माइनस कर देते हैं 360 में, यानी इस एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. यहां से यहां तक का टोटल रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 माइनस एंगल COE. कुछ कहना चाह रहे हो? आंसर क्या आ गया? किसका आंसर आ गया? रिफ्लेक्स एंगल सी. हाँ, तो मेन आप जानना है रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ. तो 360 माइनस COE, तो 360 में माइनस करेंगे COE 110 डिग्री, तो 052 क्या निकला? रिफ्लेक्स एंगल क्या आया? 250 डिग्री. अब समझ में आया रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? बोलिए, ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? तो मेन आप जो ही एंगल निकाले COE रिफ्लेक्स के लिए 360 उसको माइनस कर देंगे, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर टू कोई पढ़ेंगे? इसका क्वेश्चन नंबर टू इस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर है और एक लाइन यहां से क्रॉस जाए. एक्स है, वाई है, पी
एम, और यहाँ पर एन नाम है, जहां मीट किया वहां पर ओ है। अब क्वेश्चन देखिए, ये एंगल स्मॉल ए दिया हुआ है, दिस एंगल इज स्मॉल बी। हेलो, बात कहां से हो रही है? हेलो, बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है ना? अब आवाज पहुंच रहा है श्रेयांश? अभी ठीक है? बोर्ड पर क्लियर है? बोर्ड पर जो भी बनाए डायग्राम, चलिए ठीक है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है कि लाइन एक्स वाई, देखो फर्स्ट लाइन है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। दोनों लाइन ओ पर इंटरसेक्ट किया, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है ना? तो एंड ए इज टू बी, इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3। गिवेन में आप लिख सकते हो एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट इट ओ POY 90 डिग्री, ए इज टू बी आपका दिया हुआ है 2:3। फाइंड सी, आपका सी नाम दिया हुआ है दिस एंगल, इस सी को फाइंड कीजिए, सी का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द एंगल ऑफ सी, सी मीन्स एक्स ओ एन, ये एंगल फाइंड करना है। तो आप इस दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो अगर एक 90 दिया तो ए प्लस बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी लेट एक्स, जैसे यहां पर ए है तो ए प्लस बी आपका इस दोनों एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसको ऐसे बना दो, रेशियो में दिया हुआ है ए बाय बी इजकल टू 2:3, ठीक है? ए बाय बी इक्वल टू, यानी ए का रेशियो 2 है तो बी का रेशियो 3 है, तो हम इसको मान लेते हैं 2x+3x इक्वल टू 90 डिग्री। इसको देख, एक्स रेशियो, अगर ए का रेशियो 2 है इसको मान लो 2x है, इसको मान लो 3x, और जैसे एक स्ट्रेट लाइन है इस एंगल का सम 90, इसका भी सम 90 होगा, तो 2x+3x इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो फर्स्ट आपका एंगल ए जो था, ए इज इक्वल टू माने थे 2x, 2:18 36 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 3x था, क्या था माने थे रेशियो 3x, यानी 3:18 54 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल हम निकाल लिए, कितना आपका ये आया 36 डिग्री है, और ये आया कितना 54 डिग्री। तो जो अगर बी 54 है तो ये भी क्या होगा? रीजन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, गुड, तो ये आपका आ गया 54 डिग्री। तो आप एंगल
फाइंड करना है एक्स ओ एन एंगल, एक्स ओ एन मीन्स एंगल सी, यानी थ्री आप 360 में चारों 360 एंगल हुआ उसमें माइनस कर दो ये सभी का सम को, या अगर 100 अगर ये मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन है इस दोनों का सम क्या होगा, हाँ तो ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, हाँ उतना 360 ना ले जा करके हम यहाँ पर स्ट्रेट एंगल का यूज कर दो, आनंद रंजन नाम से जो भी है आपके घर से बहुत शोर हो रहा है, आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ कहीं से आवाज आ रही है एक्स्ट्रा, हाँ हमको फाइंड करना है एंगल सी, तो हम सब एंगल क्यों लें, केवल हम एंगल सी प्लस बी लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो फ्रॉम लीनियर पेयर से जैसे टॉप पर 180 होगा तो बेस पे भी तो 180 होगा, तो यहां लिख देना फ्रॉम लीनियर पेयर, यहां लीनियर पेयर, और एंगल बी फाइंड किए हुए 54 डिग्री, टेन माइनस फोर सिक्स, सेवन माइनस फाइव टू और वन, यानी 126 डिग्री, 126। कितना आया 126 डिग्री। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, चलिए तो हम नंबर टू बताए, अब आइए थर्ड में क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर क्वेश्चन नंबर टू में किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां भी क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रायंगल एक बना हुआ है ए बी पी क्यू आर है ना, इसका नाम है पी क्यू और आर, दोनों साइड तरफ प्रोड्यूस कर दिया, यहां कर दिया टी तक और ये कर दिया है एस तक प्रोड्यूस, ओके एक साइड प्रोड्यूस किया, गिवेन एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल
PRU. Okay, then prove that. Then that to prove पे लिख दो इसको. To prove, आपको इसमें prove क्या करना है इस question में? तो prove करना है angle PQS. PQS is equal to angle PRT. PQS and this angle equal to PRT. And इस दोनों angle को equal prove करना है, जिसको हम एक arrow से denote किए कर उसे. और गिवन में दिया हुआ है PQR दिस एंगल इक्वल टू PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ. अगर इसका नाम X दे दो तो इसका भी नाम हम X दे देते हैं, दोनों एंगल इक्वल है. या अगर एक का X दो दूसरे का Y भी दे सकते हो, X इक्वल टू Y भी कर सकते हैं, या दोनों को X कर दो, क्योंकि दोनों एंगल आपका इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, अब आपके मन पर है, या तो यहां x है तो यहां भी x कर दो, क्योंकि आपका दोनों एंगल गिवन में दिस इज कर दो यहां पर x ना दो. अब आइए प्रूफ में. इसका नाम 1 बना दो, यहां नाम 2 बना दो. आपको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. देखो नाम अगर 1 2 देते हैं तो आपको फिगर में देखने में आसानी इजी होता है, और ऐसे नहीं तो PQS आपको ढूंढना पड़ेगा कहां है एंगल PQS, या PRT कहां है आपको ढूंढना पड़ेगा. अब 1 2 लिख दिए तो डायरेक्ट समझ जाना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना. क्या करेंगे इसमें प्रूव करने में बताओ? गुड, लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर. लीनियर पेयर आप देना होगा. दूसरा, तो इससे तुम एंगल x इज इक्वल टू और दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां भी फ्रॉम लीनियर पेयर. अब इस दोनों इक्वेशन से आप एंगल 1 और 2 फाइंड कर लीजिए. तो एंगल 1 इज इक्वल टू पहला इक्वेशन से क्या होगा, 180 माइनस x, और दूसरा इक्वेशन से एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा. अरे दोनों केस में आपका आया 180 माइनस एक्स, यहां भी 180 माइनस एक्स, तो क्या RHS इक्वल है? तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्योंकि RHS इक्वल है तो आप डायरेक्ट बस शॉर्ट में आपको यही लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. लेकिन क्योंकि प्रूव करना है PQS इक्वल टू PRT, तो 1 एंगल का नाम दे दो PQS इज इक्वल टू एंगल 2 क्या था, PRT. यही आपका प्रूफ. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? एक बार और बताना है, नोट कर लो. इसको आप नोट कर लें.
हो गया नोट? बोलो क्वेश्चन नंबर फोर। इफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, ये सब एंगल का नाम है, एक्स भी नाम है वाई भी है ना, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए डायग्राम ऐसे आपका बना हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर में, पहला लाइन ड्रॉ कर दिए और सेकेंड यहां से एक लाइन आया है इस पॉइंट पर, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है नाम ए बी बी, दिस लाइन इज सी और ये आपका डी है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, दिस एंगल इज एक्स वाई डब्लू और दिस इज जेड, टू प्रूव आपका गिवेन दिया हुआ है, गिवेन में लिखोगे एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, टू प्रूव आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन, लाइन मीन्स क्या, अ स्ट्रेट लाइन आप प्रूव कीजिए, लाइन मीन्स क्या, अ स्ट्रेट लाइन। क्या करेंगे इसमें, ठीक है, डब्ल्यू जेड को क्या करेंगे, क्योंकि आपका ये दोनों एंगल नहीं, आपका ये दोनों 180 आप किससे लिखोगे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, और ऐसे भी इस दोनों का सम इस दोनों के सम से इक्वल है x प्लस y से, एक पॉइंट पर एक सेंटर पर मान लो एक इस चारों तरफ एंगल कितना होता है, एक मान लो ये ओ पॉइंट पर चारों का सम क्या होगा, चारों का सम, तो आप लिख सकते हो प्रूफ में x प्लस y प्लस डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्या लिख सकते हैं बोलिए, आप x प्लस वाई को रहने दो और डब्लू प्लस जेड ये किसका इक्वल है, x प्लस वाई का, यानी ये दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई लिख दे, ब्रैकेट में आप यहां पर इंडिकेट कर सकते हो कि W प्लस जेड इज इक्वल टू X प्लस Y गिवेन, ये आपका गिवेन में दिया हुआ है, X प्लस X 2X Y प्लस Y 2Y 360 डिग्री, 2 ले लीजिए कॉमन, X प्लस Y इज इक्वल टू 360 बाय 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 180
180 डिग्री। अगर x प्लस वाई आया 180 डिग्री, तो फ्रॉम लीनियर पेयर से आप लीनियर पेयर में यही पढ़े हो ना, अगर दो का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 कब होता है, जब यह स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम जब 180 प्रूव कर दिए, यानी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर ए ओ बी इज ए, ऐसे भी आप स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो आप यहां पर 180 प्रूव कर रहे हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हम प्रूव कर रहे हैं। यानी ए ओ बी, लाइन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल मींस अ स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, यही प्रूव कर रहे हैं। तो मेन दो का सम या तो x प्लस वाई लिनियर पेयर से, या जैसे कीजिए, मेन प्रूव कर दे रहा है 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? थैंक यू।